भाई ये अपने पास MG की एस्टर जबरदस्त डील हो जाती है। सेकंड बेस है, पूरी तरह से लोडेड आता है, जो जो चीज़ें हमें चाहिए, मतलब फील ही नहीं होगा आपको कि सेकंड बेस है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब चीज़ें क्या क्या वो अभी बताऊंगा, फिलहाल सुन लो इसकी प्राइसिंग 11.5 लाख रुपये आपको पड़ती है। एक्स शोरूम ऑन रोड हल्द्वानी की बात करूँ, अगर मैं MG के शोरूम में हूँ तो यहाँ पर आपको पड़ती है ये 13.5 लाख रुपये की कीमत, रख दो एक तरफ। अब बात आ जाती है लुक्स पे। लुक आप देख रहे हो, सबसे पहले ग्रिल, बीच में MG का लोगो, अलग ही क्लासी फीलिंग देती है ये। इसमें जब बैठे हो, रोड पर चल रही हो, तो तमाम गाड़ियों से अलग डिज़ाइन हटके मिलेगा और एक अंदर से ऐसी फीलिंग होगी यार, लग्जरी वाली बिल्कुल। इस तरह से डिफ्यूज फॉर्म में मिल जाते हैं आपको, DRL ऑलवेज ऑन रहेंगे, ये देख रहे हो मस्त लग रहे हैं, इस तरह से डायमंड की तरह चमकेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है व्हाइट कलर में, LED है अप एंड डाउन, मतलब हाई बीम लो बीम दोनों के लिए। नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पर, ये देख रहे हो डिफॉगर है, और भाई ग्लॉसी काम किया हुआ काफ़ी ज़्यादा, और जनरली जो हमको ग्लॉसी मिलता है वो ग्लॉसी नहीं है। यहाँ पर आप देखो, ये आपको मिलना अंदर भी इस तरह का है, पूरा साटन फिनिश है सिल्वर कलर में। नीचे स्किड प्लेट है, चौड़ाई 1809 mm है, बढ़िया क्रेटा से ज़्यादा, मेन चीज़ ये है। अब आ जाते हैं यहाँ पर लेंथ पे, तो भाई लेंथ आप देखो, ओवरऑल जो लेंथ है भाई क्रेटा से ज़्यादा है, अगेन 4323 mm, 4323 mm है। डायमेंशन वाइज आप देखो यहाँ पर, मतलब ये बोनट एरिया जो है काफ़ी बड़ा है इसका, ओवरऑल इसके प्रोपोर्शन से पीछे के हिस्से से, जो कि लग्जरी गाड़ियों में जनरली में देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बढ़िया चीज़। इवन 17 इंच के, मतलब 215/55/17 आपको यहाँ पर डायमंड कट नहीं है, लेकिन सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, बहुत सही। यहाँ आपको मिल रहा है इंडिकेटर साथ में, ORVM में ही एडजस्टेबल हैं, फोल्डेबल नहीं है इलेक्ट्रिकली। और भाई यहाँ पर आपको क्रोम मिल जा रहा है, क्रोम यहीं पर ही मिलता है साथ में, जो विंडो गार्निश है। ऊपर रूफ रेल मिल जाती है, दोबारा बता रहा हूँ सेकंड बेस है, सुपर नाम से आता है। फ्यूल फिलर क्या है, पेट्रोल इंजन के साथ आती है, 48 लीटर की कैपेसिटी है। शार्क व्यू एंटीना ऊपर दिख जाता है, लाइट चली गई है, कोई बात नहीं अपने चालू रहेंगे। एक बार ज़रा पीछे की भी लाइटें जलाता हूँ, मस्त लगती है देखने में। आप इसको ज़रा यहाँ से हम ऐसे करते हैं और आप देखना नज़ारे, क्या बात है क्या बात है। तो भाई इस तरह की लाइटिंग है, बढ़िया लग रही है, ये डिफ्यूज़ में रहेगी और भाई ये आपको क्लियर बिल्कुल आइस क्यूब की तरह दिखेंगे। और जब ब्रेक लगेगी तो यही तेज जलती हैं, हमेशा ऐसे ही जलती रहेगी जैसी लाइटें जलेंगी। नीचे आपको यहाँ इंडिकेटर, यहाँ पर रिवर्स के लिए दिया हुआ है, वो हैलोजन बल्ब है। और भाई इस तरह से पूरा का पूरा जो रियर व्यू है वो मिल जाता है। इसी में आपको मिल रहा है, मतलब सेकंड बेस में ही आपको मिल रहा है यहाँ पर वाइपर, साथ में मिल रहा है डिफॉगर और भाई हाई माउंट स्टॉप लैंप, छोटा सा मिल जाता है कुछ इस तरह से आपको स्पॉयलर, और क्या ही चीज़ है, गजब लग रही है। MG के बीच में ब्रांडिंग है, देखने में लोगो लगता है लेकिन नहीं भाई, इसी से हम खोलेंगे जब Volkswagen में खुलता है। खोल के अभी दिखाऊंगा, एस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, ZS की बैजिंग यहाँ पर है, ZS क्योंकि ZS का ही DNA है, वही कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, उसी पर ही एस्टर, ZS EV वो सब चल रही हैं, ठीक। नीचे आपको कैमरा मिलता है यहाँ पर, ये रहा 3 पॉइंट आपको मिल रहा है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, डिफ्यूज़र टाइप का बम्पर में ये लगा हुआ दिख रहा है, बढ़िया चीज़ है। और साथ में यहाँ पर इस तरह की यूनिट दी है, ये भी ग्लॉसी ब्लैक है, और भाई यहाँ पर मिल जाता है आपको रिफ्लेक्टर। आ जाते हैं फिर से साइड प्रोफाइल पर, साइड प्रोफाइल कंप्लीट ही हो रही है लगभग अपनी। यहाँ पर जो व्हील बेस है ये भाई मिल जाता है आपको 2585 mm के करीब का, मतलब करीब 12-15 mm कम है क्रेटा से। तो भाई ये होती है कहानी पूरी एक्सटीरियर की। अब बात आती है इंटीरियर कि आखिर 11.5 लाख रुपये एक्स शोरूम जो है उसमें मिल गया क्या रहा है, बहुत चीज़ें मिल रही हैं। ये देखो मेन चीज़ है, जैसे टॉप वेरिएंट में हम चीज़ें देखते हैं भाई, वही आपको पूरा लेदर एट सॉफ्ट टच, यहाँ भी यहाँ भी, चारों पार विंडो का बटन, यहाँ पर सेंटर लॉकिंग के लिए दिया हुआ है, और भाई ये वही साटन फिनिश सिल्वर कलर में पूरी की पूरी मिलती है। सिर्फ यही सॉफ्ट टच है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं हम डैशबोर्ड पे, तो यहाँ डैशबोर्ड भी पूरा सॉफ्ट टच है बिल्कुल स्ट्रिच के साथ, बढ़िया भाई। ये मिल रही है हाइट एडजस्टमेंट सीट के साथ, हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, बढ़िया है, आर्मरेस्ट दिया हुआ है साथ में यहाँ पर, ये भी पूरा का पूरा लेदर एट है। बीच में आपको मिल जाता है 10 इंच की स्क्रीन इस तरह से मिल रही है, टच है पूरी की पूरी, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल रहा है साथ में, 4 स्पीकर आपको इसमें मिल जाते हैं। उसके साथ साथ देखते हैं तो भाई यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, बटन के साथ कोई स्क्रीन नहीं है क्योंकि यहीं पर ही सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। जैसे मैं अगर इसको दबाऊँ, ये देख रहे हो, ये हो गया हमारी वॉल्यूम का, अप एंड डाउन होगा, होम में सीधा यही होम आ गया, और उसके साथ मैं पंखे की हवा कम ज़्यादा करता हूँ तो देखो विंड लेवल है, सीधा उसी मोड पर आ जाएगा ये। इसको दोबारा से कर देता हूँ मैं इधर, एक बार इसे दबाते हैं तो भाई ये आ गया हमारा वही HVAC मोड, यहाँ से कर देते हैं बंद, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ पर आ गया टेम्परेचर जो हम सेट करेंगे, एयर प्योरीफायर साथ में दिया हुआ है, इसको यहाँ से करते हैं बंद। तो ये हो गई हमारी म्यूज़िक यूनिट। नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेस दिया हुआ फ़ोन रखने के लिए, यह आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, और भाई यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट दिए चार्जिंग और सोर्स इन के लिए। ये हैंडल टाइप का, और ये पूरा का पूरा, ये देखो जितना भी ये कलर दिख रहा है ना, ये पूरा सॉफ्ट टच ही है, बढ़िया लेदर एट है यहाँ भी।
और भाई ये मिल रहा है आपको 5 स्पीड का गेयर बॉक्स, 1500 cc का इंजन है उसके साथ पेट्रोल में, उसके साथ 5 स्पीड का गेयर बॉक्स है। रिवर्स कुछ ऐसे लगाएंगे इधर दबा के और ऐसे यहाँ पर आपका आ जाएगा रिवर्स लगाते भाई। रियर पार्किंग कैमरा भाई यहाँ पर दिया हुआ है ये बटन, ये देख रहे हो भाई, हिल डिसेंट कंट्रोल ये बटन है, उसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल का ये बटन है। और भाई ये हो जाती है गाड़ी आगे कंप्लीट। यहाँ पर IRVM दिया हुआ है डे एंड नाइट का, यहाँ पर USB पोर्ट दिया है आप लगाते हो इसमें डैश कैम वगैरह डायरेक्ट पावर देने के लिए। लाइट दिए हैं कुछ इस तरह से, बहुत सही वाइट कलर की हैं। यहाँ पर माइक है और यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग वगैरह की ऑन ऑफ की लाइट दी हुई है, इंडिकेशन है। यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, वैनिटी मिरर नहीं है, बढ़िया चीज़ नहीं है, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो भाई ये हो गई कहानी, यही टिकट होल्डर है, इस तरह से आप यहाँ टिकट फंसा देंगे। तो भाई ये है आगे का पूरा पोर्शन और हो ही गया लगभग। यहाँ पर आपको ये देख रहे हो फिनिश कार्बन फाइबर वाली मिल रही है। ये है ग्लव बॉक्स, ग्लव बॉक्स में ज़्यादा स्पेस नहीं है लेकिन कूलिंग वगैरह भी नहीं है। तो भाई इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये क्लस्टर है भाई, यहाँ पर आपको दोनों के दोनों एनालॉग में मिल रहा है, ये स्पीडो हो गया, ये हो गया आपका टैकोमीटर, यहाँ पर मिल रहा है छोटा सा भाई फ्यूल गेज, यहाँ पर मिल रहा है आपको टेम्परेचर, बीच में MID है, सारी इन्फॉर्मेशन माइलेज ओडो कितनी चली है कितनी नहीं चली है ट्रिप वगैरह की सब देती रहेगी भाई। यहाँ पर आपको मिल जाता है ये बटन हमारे जो मिरर हैं उनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए। अब बात आती है पीछे की, तो भाई पीछे ज़रा यहाँ पर देखते हैं, तो आगे की तरह पीछे भी यहाँ पर आपको टेक्सचर दिया हुआ सॉफ्ट टच का, पावर विंडो का बटन ये दिया है, स्पेस कुछ इस तरह से है भाई, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है बाकी कंपैरिजन में लेकिन चौड़ाई अच्छी है। हेडरेस्ट पीछे भी एडजस्टेबल दिए हुए हैं, आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया है बहुत बढ़िया भाई, इस तरह से पूरा है। पीछे AC वेंट्स भी दे दिए आपको और चार्जिंग सॉकेट साथ में दिए हुए हैं। हम्प ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ओके है, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत ज़्यादा क्रिएट नहीं करेगा बीच वाले पर्सन के लिए। तो भाई ये हो गई कहानी पीछे की। अब बात आती है पूरी गाड़ी की, दोबारा से कीमत बता रहा हूँ, सेकंड बेस वेरिएंट है MG एस्टर का, सुपर नाम से आता है, 11.5 लाख एक शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड अगर देखते हैं हल्द्वानी में उत्तराखंड में यहाँ पर पड़ रही है करीब 13.5 लाख रुपए की। इंजन की बात आती है तो भाई 1.5 लीटर मतलब 1500 cc का इंजन है इसमें और मस्त परफॉर्मेंस है, जैसे सफिशिएंट चाहिए वैसी आपको मिल जाती है। 108 bhp की पावर दे देता है, उसका टॉर्क की बात करें तो 144 Nm का टॉर्क दे देता है आपको, 4 सिलेंडर में ही है जो कि सही है। तो इस तरह से गाड़ी कैसी लगी है, बिल्कुल सही है इस बजट के अकॉर्डिंग और कंपटीशन के अकॉर्डिंग तो बहुत सही हो जाती है। तो भाई यह गाड़ी इंप्रेशन क्या आपके एक बार बताना जरूर, इस बजट में जो सारी चीज़ें आपको मिल रही है मैंने सारी चीज़ें बताई वो आप बताना कौन सी और गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। तो भाई गाड़ी हो जाता है कंप्लीट, वीडियो कैसा लगा गाड़ी कैसे लगे बताना जरूर, अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मैं दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना सुमित चौहान चैनल को।